हेलो फ्रेंड्स। हेलो। तो अब कोई ऑनलाइन नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि कोई ऑनलाइन आ जाए। तब तक मैं कैमरा सेट कर लेती हूँ थोड़ा सा। इट्स ओके, देखते हैं। आज की जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं उसमें शेयर करने वाली हूँ आप सभी से। कोई ऑनलाइन तो आए जल्दी से। शिवी, क्या आप हल्का सा टेबल आगे कर सकती हो? करो 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 करो। लगते हैं आज अभी सभी बिजी हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो आप लोग बाद में देख लीजिएगा। एक्चुअली मुझे आप सभी से पहले तो पूछना है कि आप सब कैसे हैं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आजकल तो बहुत ही गर्मी हो रही है, और मतलब 25 मई से और जून 2 जून तक का तो अलर्ट ही आया हुआ है, क्योंकि जो टेम्परेचर है 45, कभी 46, कभी 47 ऐसे ऐसे हो रहा है। तो आप सभी अपना ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए कि 10 बजे से 4 बजे तक धूप में ना निकलना पड़े, बाहर ना जाना पड़े, घर में ही रहिए और सेफ रहिए। और अगर बाहर जाते हैं तो बाहर का तो एटलीस्ट कुछ नहीं खाइए फ्रेंड्स, क्योंकि सब बेकार है। अभी जिस दिन मेरी एनिवर्सरी थी ना, उस दिन हम लोगों ने बाहर से मंगाया था कुछ, जो कि खाना ख़राब था पूरा। हमने मसाला चाप मंगाई थी, और जिस दिन हमारा एनिवर्सरी थी उस दिन की बात है, और जो कि बिल्कुल ख़राब हो चुका था वो। पर जो शॉप वाले होते हैं वो, उनको लोगों तो बस बेचना होता है और वो बेच देते हैं ऐसे। और फिर हम लोग, फिर ये था कि 9:30 अराउंड हो गए थे खाना खाने में हम लोगों को, डिनर करने में। तो फिर अब कौन जाए उनसे, कौन बातें करे, कौन जाके उनसे लड़े इस चीज़ को लेकर। तो फिर हम लोग गए नहीं, और हम लोगों ने सोचा कि चलो फेंक देते हैं उसको, और नेक्स्ट टाइम अब नहीं जाएंगे, और इन दिनों तो बिल्कुल ही नहीं जाएंगे, क्योंकि जहाँ से हम लोग लाते हैं वैसे उसकी सारी चीज़ें हमेशा से टेस्टी रहती हैं। पर इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि खाना उसका जो था, हम लोगों ने जो ग्रेट मतलब सब्जी मंगाई थी बाहर से, ऑर्डर किया था, वो बिल्कुल ही ख़राब थी। मतलब उसमें फीलिंग आ रही थी, स्मेल आ रही थी ख़राब होने की पूरे। तो फ्रेंड्स, वही यही चीज़ है कि आप भी ना इस चीज़ से बचें, बाहर का खाना अवॉइड करें। जो भी आपका फैमिली फंक्शन हो, बर्थडे हो, उसको घर में ही कुछ भी खाना बनाए और उसको घर में ही उसको बना के खाए। और शिवी आ गई है मेरे पास। फ्रेंड्स, आपको एक चीज दिखानी है। इसने कुछ बनाया है, लेकर आती है। दिखाओ अपना। मेरी और इसके, इसको 3 फोटोग्राफ्स मिली थी, मेरी, विनो की और। हेलो प्रशांत, हाउ आर यू, आप कैसे हो? ये मेरी बिटिया है ना शिवी, इसने कुछ बनाया है तो वही दिखा रही है फिलहाल। तो अभी कि स्वयं भैया की फोटो देखो, ये मेरे पापा जी हैं और ये मेरे मम्मा जी हैं, मेरे भाई। और आपकी फोटो तो आएगी इसमें। मुझे भी अपनी फोटो लास्ट में करनी है। यहाँ लास्ट में लगानी है, ये तो फैमिली फोटोग्राफ का बना रही है। मम्मा जी, मेरी फोटो कहाँ पे है? मैं अभी आपको दूंगी निकाल कर, तब आप इसमें लगाना और फिर सबको दिखाना। तो फ्रेंड्स, यही है कि आजकल जो भी कोई फैमिली फंक्शन हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, क्योंकि सबका सीजन चल रहा है, तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो भी बनाए घर पे बनाए, सिंपल सादा बना के खा लें, बाहर से ना मंगाए, क्योंकि उसमें आपके पैसे ऑब्वियसली वेस्ट ही होने हैं। और खाना भी सही होगा, गलत होगा, ठीक ठाक होगा, खाने लगे ये भी नहीं पता। और फिर उस टाइम पे मूड ख़राब होता है कि बाहर से खाना ऑर्डर किया और जो कि अच्छा नहीं था। और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाली हूँ कि अभी हम लोग आगरा गए थे, जब मेरे बेटे का ये जिमनास्टिक कॉम्पिटिशन था नेशनल लेवल का,
तो हम लोग गए थे आगरा, तो अभी प्रशांत जी कुछ कह रहे हैं, मैं देखती हूँ. वेरी नाइस, थैंक यू सो मच. मैंने यूनिकॉर्न बनाई थी. तो फ्रेंड्स, तो हम लोग आगरा गए थे ना अभी कुछ टाइम पहले. शिवी ये मुझे दिखाना है बेटा. तो हम लोगों ने वहाँ पे, जिस दिन हमें वहाँ पे मतलब सैटरडे और संडे दो दिन का फंक्शन वहाँ पे इसका वो था, जिमनास्टिक का कंपटीशन था, तो हमने सैटरडे की बुकिंग कराई हुई थी. कहाँ जाना है? ओके चलिए जाना है इसको. तो हम लोगों ने बुकिंग कराई थी सैटरडे की, और हमने अगोड़ा से बुकिंग कराई थी होटल में. और हम लोग जब वहाँ पहुँचे, ओके अब यहीं रहो शिवी, जाओ अभी अभी उधर जाओ शिवी. हो गया शिवी, हो गया शिवी, अब हो गया. शिवी मेरा कहना नहीं मान रही. कौन समझाए इसको? शिवी बस करो शिवी, अब आप मम्मा की बात नहीं मानोगी. अब आप चलो अपना कुछ खेलो, चलो चलो चलो, गो गो गो, कुछ भी खेल लो. एक्टिविटी करनी है कोई, कुछ भी करो. तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि हम लोगों ने अगोड़ा से बुकिंग कराई थी होटल की, और जिसमें इन्होंने एडवांस में ही पेमेंट भी कर दी थी ऑनलाइन. और लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे होटल में, रिसेप्शन पे पहुँचे, तो रिसेप्शन वालों ने बोला कि शिवी बेटा इसका चार्जर मत हटाना, कि वहाँ पर उन लोगों के पास तो इस बुकिंग की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है. तो मेरे को तो लगता है अगोड़ा ही लगता है फ्रॉड है या तो, क्योंकि वैसे तो इसकी एड वगैरह इतनी आ रही है, इतना इन्होंने मतलब प्रचार इस चीज़ का कर चुके हैं, अगोड़ा से बुकिंग कराओ, ये करो वो करो, इतनी चीज़ें हैं. पर हम लोगों ने फर्स्ट टाइम, वैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हमने हमेशा मेक माई ट्रिप से हमने बुकिंग करी है, लेकिन इस बार हमने सोचा अगोड़ा पे अच्छे खासे ऑफर्स आ रहे थे, डिस्काउंट भी अच्छा मिल रहा था, तो हमने अगोड़ा से बुकिंग करा ली. और जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे बुकिंग्स की कोई डिटेल ही नहीं थी. और अभी हम लोग वहाँ, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमने इसका बिल है, और यहाँ पे देखिए पेमेंट कंफर्मेशन भी लिखा हुआ है, बुकिंग की कंफर्मेशन आई हुई है देखिए, है ना. और यहाँ नीचे देखेंगे तो आप पेमेंट की डिटेल्स वगैरह सब कुछ है. ये ईमेल के थ्रू हमारे पास बिल, मतलब बिल की कॉपी है. और अभी विनू और मैं, मतलब विनू ने भी कई बार मतलब मेल भी भेज दिया है. और ये जो यहाँ का इसमें जो कस्टमर केयर नंबर है, जिसपे 24/7 सपोर्ट का इन्होंने लिखा है कस्टमर सपोर्ट, और जो कि लग ही नहीं रहा है फोन आप उस पर, मतलब ये तो है कि भाषा के लिए एक दवाएं, अपनी जो भी परेशानी है उसके लिए तीन दवाएं, और ये जो मतलब सारी चीज़ें करके देख ली हम लोगों ने, 10-10 मिनट तक कॉल ट्राई करके देख लिया, पर कुछ भी नहीं हो रहा है. एट दी एंड हम लोगों ने, हमें अब 1 वीक से ज़्यादा हो चुका है, और फ्रॉड है. वही वही प्रशांत जी, मैं भी यही कह रही हूँ कि अगोड़ा तो बिल्कुल ही फ्रॉड है. मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेक माई ट्रिप से करा सकते हैं. मैं कोई उसका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, पर अभी तक हम लोगों को मतलब 10-12 साल हो गए हैं उसके थ्रू हम लोग जाते हैं, अपना ट्रिप प्लान करते हैं, और कभी भी किसी भी चीज़ में कोई परेशानी नहीं आई है. और फर्स्ट टाइम अगोड़ा से हम लोगों ने कराई, और फर्स्ट टाइम में ही हमें ये विद GST इसका 1900 चार्जेस पड़ा था रूम का, और जो कि अभी तक अब आने वाले हैं नहीं हमें वापस. हमने बल्कि उसी टाइम फिर 10:30 के अराउंड हमने फिर दूसरा ढूंढ कर रूम लिया, और उसका भी कुछ था 1800 समथिंग हमने विद GST पेमेंट की, तो कुछ नहीं हुआ. और ये पैसे ये जो है हमारे, ये मिलने वाले भी नहीं है, अब ये गए, चूना लग गया है हमारा. तो बस मैं यही कहना चाहूँगी आप सभी से कि आप लोग अगर जब भी अगोड़ा से बुकिंग, वैसे तो कराएं ही ना डिस्काउंट्स के चक्कर में, और के रूम सस्ते हैं, होटल अच्छा है पर रूम सस्ते हैं, इस चीज़ में ना रहें, और अपना देखभाल करके ही पूरा जांच करके कराएं बुकिंग. क्योंकि अब तो इसका कस्टमर सपोर्ट नंबर भी जो है ना टोल फ्री 24/7 का चल ही नहीं रहा है, और मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि फ्री में हमारे पैसे इतने सारे, 2000 रुपये कोई छोटी मोटी रकम तो होती नहीं है. और पर क्या कर सकते हैं आप, इसके पीछे तो हम कहीं कंप्लेन भी नहीं कर सकते, कहीं FIR भी नहीं करा सकते, क्योंकि कौन ही सुनने वाला है और कौन ही लोगों को पकड़ने वाला है. तो बस अब आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और अपना मतलब अगली बार से आप जाएं तो प्लीज़ अगोड़ा से तो बिल्कुल भी बुकिंग मत कराइएगा. क्या करियो?
शिविया इधर इधर तो मेरे पास इधर। अभी शिवी अकेले है ना, स्वयं होता है तो उसके साथ लगी रहती है, पर स्वयं अभी नीचे गया साइकिलिंग करने, तो बस वो खेल रहा है। अभी 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 लेके चलती हूँ आपको, उसको मैं छत पे लेके जाऊंगी साइकिलिंग कराने। तो फ्रेंड्स, और बाकी आप बताइए, आप सब अभी कहीं प्लान कर रहे हैं जाने का, कहीं घूमने जाने का? कोई कोई कर रहा है तो मुझे बताइए। हम लोग तो, मैं यूपी से ही हूँ, यूपी ऑब्वियसली, दिल्ली साइड यूपी। आप कहाँ से हैं? और हाँ, और हम सब इंडिया से। इंडिया नहीं है अब तो, भारत हो गया हमारे देश का नाम। बोलो भारत। भारत माता की जय। देखो मैं करूँगी। हाँ करो करो। भारत माँ, भारत माता की जय। देखो जाने का ना बंद है। सुना दो चलो। यूपी 51। ओके, देखो तो फ्रेंड्स हमने हाथ है। 51 से है। ड्राना मुझे बिल्कुल हिला मम। अभी चलो सुनाओ। ओके सुनाओ। जन गण मति अधिना दोबारा जन गण मति अधिनायक जोया है भारत भाग दाता पंजाब सिंह जिराठ मराठा दाविन छिगल मंगा विंडल माचन यमुना गंगा भूचल जलधि तरंगा कुब शुद मानिश मागे कुब शुद मानिश मागे दाय कब जया दाता जन गण मति अधिनायक जया है भारत भाग दाता जया है जया है जया 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 है भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम। वेरी गुड। थैंक यू गॉड। वेरी गुड मेरे बच्चों। वेरी गुड। वेरी नाइस। चलो आप इधर इधर नहीं यहाँ पे इधर बैठो। अभी ये अब इसका कुछ और चालू हो जाएगा वैसे सुनाना। तो हाँ, हम मैं बताई थी कि अभी हम लोग जाने की, मैं पूछ रही थी आप सबसे कि आप लोग कहीं, जैसे छुट्टियां पड़ी हुई हैं सभी की, बच्चों की, तो कोई जय हिंद। अभी ना वो छोटी है और उसको पूरी तरह से वर्ड्स बोलने भी नहीं आते हैं, तो जो समझ में आता है टीचर्स जैसे सिखाती होंगी वैसे ही बस बोलती रहती है, और उसको जितना आता है, बस ये है कि पूरा ट्यूनिंग उसकी एकदम परफेक्ट होती है ये राष्ट्रीय गान गाने की। और तो हाँ, मैं पूछ रही थी फ्रेंड्स कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं आजकल घूमने? अभी तो छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं बच्चों की। हम लोग प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट वीक में, और होपफुली सारी चीज़ें प्लान है बेटा। हाँ अभी चल रहा है साइकिलिंग प्लान है। होपफुली अगर सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं तो हम लोग जाएंगे घूमने, सरप्राइज मिलेगा, बहुत ही अच्छी जगह जाएंगे घूमने। और हम लोग जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ की, लाइव ब्लॉगिंग भी करूँगी और आप देखिएगा, एक्सप्लोर करेंगे वहाँ की जगह को, उस जगह को। तो आप कहीं नहीं जा रहे हैं, हम लोग जाने की प्लान बना रहे हैं, और अगर प्लानिंग पूरी हो जाती है तो हम लोग जाएंगे, 3 to 4 days का बनाएंगे प्लान। तो बस होपफुली जल्दी से हो जाए सारी चीज़ें मैनेज, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं जाएंगे घूमने तो बजट तो देखना ही पड़ेगा कि कितने का बजट होगा। अगर सारी चीज़ें हमारे बजट में आ जाती है तो हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए।
आएगा मजा। और आप लोग अगर कहीं जा रहे हैं घूमने, सामने ये सेम की ड्राइंग अच्छी है, मतलब शिवम सेम की ड्राइंग, क्या सेम की ड्राइंग अच्छी है? सेम कौन सी ड्राइंग बताइए मुझे, शिवम कौन सी ड्राइंग की बात कर रहे हो आप? सेम की ड्राइंग मम्मी वो वाली जो बेटी ने कृष्ण वाली बनाई, स्वयं की ड्राइंग की बात कर रहे हो जो स्वयं ने कान्हा जी की बनाई थी? अगर उसकी बात कर रहे हो तो हाँ, वो उसने बहुत अच्छी बनाई थी और उसको बनाने में उसको 3 दिन तो लग गए थे, क्योंकि लगातार तो बैठ के वो बना नहीं पाता है, थोड़ा थोड़ा बनाता है। कभी जैसे अभी ड्राइंग कर ली उसने, तो कल उसने उसकी आउटलाइन बना दी। हाँ जी हाँ जी हाँ, हम लोगों को, हम लोग सोच रहे हैं उसको फ्रेम करा के घर में लगाएंगे कहीं ना कहीं, या तो ड्राइंग रूम में या ऑफिस, ऑब्वियसली पूजा वाले कमरे में उसको ड्राइंग बना के, हाँ फ्रेम करा के हम उसको लगाएंगे। उसने 2 बनाई थी राधा, एक तो राधा कृष्णा की बनाई थी, उन दोनों में से हम लोग एक उसको फ्रेम करा के लगाएंगे। थैंक यू सो मच शिवम, वो बहुत खुश होता है जब उसकी तारीफें होती है, तो पूछता रहता है मम्मा मेरी रील पर कितने लाइक्स आए, मेरी रील पर किसने कमेंट किया, क्या क्या कमेंट किया। फिर देखता है तो खुद ही वो रिप्लाई करता है, कहता है मैं खुद करूँगा, मेरी रील है तो मैंने बनाई थी तो मैं खुद ही रिप्लाई करता हूँ। उसको ड्राइंग का शौक है, क्योंकि हम दोनों को ड्राइंग आती है, मुझे भी ड्राइंग आती है, पर हाँ उसको अब इस टाइम पे बहुत अच्छी ड्राइंग आती है। आजकल बच्चे बहुत एडवांस हैं, छोटी सी एज में हम लोगों को तो कुछ पता भी नहीं था, जो आजकल के टाइम में 5 से 6 साल के बच्चों को पता होता है, तो वही है, वही चीज़ है। तो बस फिर अभी तो फिलहाल यही था कि मेन तो यही इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है, अगोरा से कोई बुकिंग ना कराएं, किसी और से कराएं जो ट्रस्ट वर्दी हो उनसे कराएं, अदरवाइज तो कोई सुनने वाला नहीं है, यहाँ पर बेकार है। और अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए जल्दी, मैं यूपी से ही हूँ और बस यूपी में ही रहते हैं हम लोग रहते भी यूपी में ही हैं, यूपी से ही बिलोंग करते हैं, मेरे इन लॉज और मेरे मतलब मम्मी पापा सब यूपी। हेलो राजेश जी, कैसे हैं आप? सोचा कि आप सभी के साथ ना ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं, क्योंकि अगोड़ा का जितना ज़्यादा हम लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं, इतना तो आजकल मेक माई ट्रिप का या फिर किसी और का भी नहीं देखते, तो यही है कि कोई और किसी और के साथ ऐसा ना हो। अब चाहे वो, अभी तो हमने 1 डे की ही बुकिंग कराई थी, अगर मान लीजिए हम लोग कहीं का ट्रिप प्लान करते तो उसमें तो होटल की जो बुकिंग्स भी होती है अराउंड 30 to 35,000 तक हो जाती है 4 डेज की। तो वही चीज़ है कि अभी तो 2,000 रुपये में ही हमें मतलब परेशानी हुई, हमारे साथ फ्रॉड हुआ, ना जाने अगर हम आगे चल के कोई और बड़ी बुकिंग कराते और उसमें फ्रॉड होता तो बहुत ही परेशानी होती। कि अभी हम लोग जो होटल ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, जो हमें बता रही हूँ ना, अभी हम लोग नेक्स्ट वीक में जून की 1st वीक में हम लोग कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ पर होटल्स की जो बुकिंग जा रही है 30 to 40,000 जा रही है, तो हम लोग देख रहे हैं हमारे बजट में हो जाए तो। पर यही चीज़ है कि अगर हम लोग अगोड़ा से कराते तो ना जाने कितने का फ्रॉड होता और कहाँ पकड़ते फिर जाके, और हम लोग यहाँ से सारी चीज़ें करके जाते और वहाँ जाके पता चलता कि ये तो है ही नहीं, या तो बुकिंग्स की डिटेल्स ही नहीं है। अब चाहे उसमें एडवांस में कितने भी दे देते क्या होता, आई डोंट नो, पर फिर भी फ्रॉड तो फ्रॉड है। और बताइए फ्रेंड्स, तो अभी तक कोई भी कहीं भी घूमने नहीं गया आप में से? अगर कोई कहीं घूमने गया है तो वहाँ का मौसम बताइए, जाने लायक है कि नहीं?
हम लोग अपना ट्रिप चेंज कर लेंगे। कोई बात नहीं, शिवी लेकर आई है मटके से पानी भरकर। मटके से लिए ना, पीऊंगी। देखिए जो फ्रेंड में कैसे पीते हैं मटके का पानी, दिखाना कि कैसे पीते हैं पानी। अच्छा जी, शिवी पानी पी के दिखा रही है, आप सब सीख लीजिए। हमने मुंह के ऊपर गोल गोल पे लगाना है। गर्मी तो सभी जगह पे, अब तो दिल्ली एनसीआर देखो। और पहले आप देख लीजिए इसका पानी, मुंह में लगाना ये गोल गोल, और ऊपर पूरी बॉटल कर देना है, फिर पानी आ जाएगा। अच्छा, ये किसको सिखा रहे हो आप? पूरी दुनिया को। पूरी दुनिया को देखो तो सब देख रहे हैं ना। हाँ जी, हमारे यहाँ तो आज 47 था, 47 टेम्परेचर। कल परसों में बता रहे थे 49 था। बहुत गर्मी है सही में, एसी पूरा दिन चलता है हमारे यहाँ पे। अभी भी चल रहा है इवन। ये अब कहाँ पहुंच गई? रुको 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 रुको, बड़े बच्चे रुको। अच्छा अब जरा वो तो लेके आओ, वो लेके आओ, वो लेके आना, वो लेके आओ, वो लेके आओ। क्या लेके आऊं? तो फ्रेंड्स मुझे लगता है अब वीडियो को क्या? अच्छा ठीक है, अभी बताती हूँ। अभी हम लोग चलते हैं ना छत पर साइकिलिंग करने के लिए, ठीक है? तो फ्रेंड्स अब मैं व्लॉग लाइव व्लॉगिंग को एंड करती हूँ, फिर से आऊँगी दोबारा से। आई होप आप, मैं भगवान से आशा करती हूँ आप सब इतनी गर्मी में सब लोग अच्छे से रहें, किसी को भी कोई परेशानी ना हो, गर्मी से बच के रहिएगा। छोटी छोटी अब छोटी चलिए ठीक है, ओके। तो मैं अभी लाइव ब्लॉगिंग को एंड करती हूँ, मिलूंगी दोबारा से न्यू लाइव ब्लॉगिंग में। और आप लोग सभी सेफ रहिए, गर्मी से बच के रहिए, और अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए जिससे कि आपकी बॉडी को ठंडक मिले, ठीक है फ्रेंड्स? तो बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी समर्स।